अभी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा, तो उसकी वजह से किस तरह हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं वो हम देख चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हमें इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है और फोर्स लग रहा है और वहाँ पे उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट भी नहीं है, तो जब कांटेक्ट नहीं है तो फोर्स लगा कैसे? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक इस तरह का रीजन जनरेट होगा जिसमें कोई अदर टेस्ट चार्ज अगर हम रखें तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करता है। इस चार्ज के चारों तरफ एक इस तरह का रीजन क्रिएट होगा कि उसमें अगर कोई और चार्ज हम रखेंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा। अब आप कहोगे कि इसको हमने टेस्ट चार्ज का नाम क्यों दिया है? तो टेस्ट चार्ज हमने इसलिए कहा है कि जब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे या इसकी स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा जो इसको क्या करेगा, एक्यूरेटली मेजर नहीं होने देगा। तो इसीलिए हम स्ट्रेस चार्ज को क्या रखते हैं, थियोरेटिकली ऑलमोस्ट जीरो। तो हम यहाँ पे एक लिमिट लगा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। अगेन टेस्ट चार्ज मैंने बता दिया क्यों है ऐसा। तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे शो कर सकते हैं E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। और एक्यूरेटली कैसे शो करेंगे? लिमिट लगा देंगे क्यू नोट टेंड्स टू जीरो। अच्छा, टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है? टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि ये जीरो नहीं है लेकिन जीरो के आसपास है। आसपास होने का मतलब कि ये इतना स्मॉल है कि इसके स्मॉल होने से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अगर ये टेस्ट सॉरी रिपेल करेगा, और अगर नेगेटिव होता तो इसको अट्रैक्ट करता। तो हम इसको पॉजिटिव ही ले रहे हैं क्योंकि हमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिफाइन करनी है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मान लीजिए इस पे फोर्स इधर लगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो अगर हम यहाँ पे इस सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करें तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? तो देखो, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया आर। क्या मान लिया? आर। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? वो होगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वेयर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिखा है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स की वैल्यू के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वेयर और क्यू नॉट से डिवाइड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? ये आया के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। हम यहाँ पे ये लिख भी देते हैं, इफ चार्ज
इज पॉजिटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन सेम डायरेक्शन, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फिर ये सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, ये हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे हो जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। इफ नेगेटिव देन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरा, इसकी जो यूनिट होगी तो यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स किस में होता है? न्यूटन में, और चार्ज किस में होता है? कूलोम में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलोम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी हम मेजर करेंगे तो न्यूटन पर कूलोम में मेजर करेंगे। क्लियर है? तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आया। फिर उसके बाद हमने यहाँ ड्राइव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नोट करिए इसको।